साइंटिफिकली इसका जवाब बड़ा सादा है, और वो ये है कि जनाबे अली, दुनिया में दो तरह की कैटेगरीज हैं, जानने वाले और ना जानने वाले, ठीक है? नॉलेज विदाउट नॉलेज, ब्राइट डार्क, व्हाइट एंड ब्लैक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज के अंदर, या साइंस नॉलेज के अंदर, साइंस आर्ट्स, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ब्ला 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 ब्ला, आर्ट्स के अंदर ब्ला 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 ब्ला, लेकिन दे एग्जिस्ट नो बाउंड्रीज बिटवीन एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज। किसी फॉर्म ऑफ नॉलेज के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती। ये हमारे दिमाग में एक ऐसी बात डाली गई है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें ट्राई नहीं कर पाते हैं। हम बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि यार ये मेरा एरिया नहीं है, दिस इज नॉट माई प्लेस टू डू। आई विश कि मैं तुहानू दिखावा, ओथे पे है, ओथे एक चीज पे ही है, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्ले इट, इट्स अ गिटार ओवर देयर, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे बजाते हैं। शायद मुझे 40 साल तक, 35 साल तक ये सिखाया गया है कि यार डॉक्टर साहब, पीएचडी, मेडिकल साइंसेस, ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च, जीन रेगुलेशन, एपिजेनेटिक्स, ऑल दिस ब्ला ब्ला, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट थिंग। हमारे ब्रेन में हम जिस साइड को ऊपर काम करना शुरू करते हैं, हम उस चीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इफ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन म्यूजिक टुडे, आई विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट साइड ऑफ माई ब्रेन। तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये कनेक्टेड है। और वो लोग जो हमें सिखाते हैं पिछले कई सालों से कि तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू बायोलॉजी का है, तू कंप्यूटर साइंस का है, तू उसका, तूने ये नहीं देखना, तूने उसको नहीं देखना, तूने इसको नहीं पढ़ना, दीज थिंग्स आर एक्चुअली स्टॉपिंग मैनी ऑफ अस टू रीच आवर ड्रीम करियर्स।